हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीडियो एडिटिंग सीखे पार्ट 6 के अंदर। सॉरी वो कल मैंने ना कल वाले पार्ट जो 5 था उसके अंदर मैंने 2 बोल दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले मोबाइल के जरिए वीडियो एडिटिंग, हम काइन मास्टर और जो है साइबरलिंक पावर डायरेक्टर उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो भी आपको क्या करना होगा कि उसी के जरिए जो है वीडियो एडिटिंग सीखनी होगी। मतलब आपको कंप्यूटर नहीं है तो भी आपको पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 देखने होंगे, क्योंकि उनमें जो ऑप्शंस है वही ऑप्शंस इसके अंदर आने वाले हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि सारे ऑप्शन डिटेल से मैंने वहां पर समझा दिए हैं। तो आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उनको देख लीजिए वीडियो को ताकि आपको पता चल जाए कि किस ऑप्शन का यूज किस में होता है। तो आपको 5 पार्टों को देखना जरूरी है, फिर ही मोबाइल से भी वीडियो एडिटिंग आपको समझ में आएगी। तो हम सीखने वाले काइन मास्टर के जरिए आज, उसके बाद में आपको साइबरलिंक पावर डायरेक्टर भी सिखाऊंगा, उसके बाद में थोड़ा फिल्मोरा की ओर क्विक करेंगे। और तो सीखते रहिए, चलते हैं अपने काम की तरफ, वैसे भी टाइम काफी हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं मोबाइल की स्क्रीन पर हूं, आप मुझे भी देख सकते हैं साइड के अंदर। तो यहां पर मेरे पास है काइन मास्टर। तो दोस्तों आपको काइन मास्टर की यदि विदाउट वाटरमार्क वाली लिंक चाहिए, आपको वाटरमार्क अच्छा नहीं लगता, वैसे हमें लगाना भी नहीं चाहिए, यदि वाटरमार्क आपको अच्छा नहीं लगता हो तो इसकी लिंक आप मुझे इंस्टाग्राम पर से ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, आप इसकी लाइसेंस की जो है आप मुझसे ले सकते हैं और ये आपके लिए विदाउट वाटरमार्क चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आप जैसे काइन मास्टर को ओपन करके इस तरह की मेन्यू ओपन होगी। इस तरह से मेरे पास साइड में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है तब होते हैं जब आप एक 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 बनाते चलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। जैसे आपको प्लस के आइकन पर सबसे पहले क्लिक करना है तो यहाँ पर 3 रेशियो आपको दिख रहा है। एक तो 16:9 की है, एक 9:16 की है और एक 1:1 की है, मतलब 1:1 की है। तो दोस्तों 16:19 रेशियो यूट्यूब वीडियोज के लिए है, यूट्यूब वीडियोज या फिर सोशल मीडिया साइट्स होती है जहाँ पर हम जो है फुल स्क्रीन में वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर जो है 16:90 रेशियो लिया जाता है। या फिर टीवी के लिए मान लीजिए, एप्पल के लिए मान लीजिए, इस तरह की स्क्रीन के लिए 16:19 रेशियो लिया जाता है, मतलब फर्स्ट वाला रेशियो लिया जाता है। जो 19:16 है वो सोशल मीडिया के जैसे क्या हुआ, लाइकी हुआ, टिकटॉक हुआ, इस तरह की एप्लीकेशन है जिसमें शॉर्ट वीडियो चलती है, उनके लिए जो 19:16 रेशियो लिया जाता है। और यहाँ पर लास्ट रेशियो आ जाता है हमारे पर 1:1। ड्यूइट बनाने के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है, 1:1 इस रेशियो का यूज किया जाता है। जैसे आप टिकटॉक में ड्यूइट बनाओगे तो एक्चुअली होगा क्या, वहां पर ड्यूइट बनेगा तो वो 1:1 का रेशियो ही लेता है। लेकिन आप अपने आप से जो है किसी ड्यूइट को जो है करना चाहते हैं या फिर किसी स्क्रीन शॉट को आप उसके जरिए बताना चाहते हैं तो ड्यूइट को आप क्रिएट भी कर सकते हैं इस फर्स्ट वाले ऑप्शन, इस लास्ट वाले ऑप्शन के जरिए। फिलहाल मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ही लेकर चलता हूं। तो यहां पर देखिए इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह की कुछ जो है कुछ प्रॉपर्टीज ओपन होगी। आप देख रहे हैं यही इंटरफेस मैंने आपको वहां पर बताया था, तो आप वहां के जरिए यहां पर समझिए आप। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहां पर हमारे पास जो नीचे वाला पैनल है, ये वाला, ये टाइमलाइन एरिया है, ये सारा का सारा कौन सा एरिया है, टाइमलाइन एरिया है। और यहां पर इसके अंदर जो चल रही है 00 सेकंड्स आपको दिख रहे हैं वो इसकी टाइमलाइन है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेयर एरिया भी बोलते हैं। तो यहां पर ही लेयर एरिया चलेगा, टाइमलाइन एरिया चलेगा। लेकिन यहां के सारे ऑप्शन जो आपको गोल चक्रा दिख रहा है उसके अंदर मिलेंगे, मतलब ऑप्शंस मेन्यू, जो मेन्यू आपको मिलेगी जिसमें मैंने इनपुट मेन्यू बताया था, इनपुट मेन्यू भी आपको यहां पर मिलेगी, इफेक्ट मेन्यू भी यहां पर आपको मिलेगी, एनिमेशन मेन्यू भी यहां पर ही मिलेगी आपको। अर्थात जो यूजर इंटरफेस एक साइड में इसके अंदर कर दिया गया है। जो व्यूअर है वो व्यूअर यहां पर आप देख रहे हैं, व्यूअर यहां पर है ही इसका। तो इसी तरह से आप जो है अब इसके अंदर वीडियो एडिटिंग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं मीडिया के ऊपर जाते हैं। तो मीडिया के अंदर एक्चुअली है क्या कि इस मीडिया पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर कोई भी फाइल इंपोर्ट कर सकते हो, इसको इंपोर्ट मेन्यू बोलेंगे। जैसे वहां पर हमने KMTS में इंपोर्ट करने के लिए क्लिप बीन का यूज किया था, वहां पर इसी तरह यहाँ पर मीडिया का यूज करेंगे। जैसे ही मीडिया पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई भी चीज, कोई भी वीडियो हम ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी वीडियो ले लेता हूँ, जैसे मैं एक वीडियो ये ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ये मैंने वीडियो ले लिया। यहाँ पर देखिए यहाँ से वीडियो को इंपोर्ट कर दिया गया। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज जरूर अच्छे से समझे, मैंने कहा था कि जो कैमटेशिया के अंदर जो ग्रीन स्क्रीन लेयर है वो हमेशा कहाँ पर आती है, वीडियो के जो है ऊपर आती है, मतलब जो बैकग्राउंड हमें चाहिए होता है वो ऊपर होता है। लेकिन इसके अंदर उल्टा होता है, जो लेयर का बैकग्राउंड हमें हटाना वो हमेशा नीचे रखनी है, बल्कि उसके अंदर जिस लेयर का बैकग्राउंड हमें हटाना होता था उसको ऊपर रखा जाता था, लेकिन यहाँ पर हमें नीचे रखनी है। अब एक्चुअली इसके अंदर कंप्यूटर वाला ऑप्शन तो है नहीं कि डायरेक्ट जो है घसीट कर, मतलब ड्रैग करके डायरेक्ट हमने नीचे लेकर आ जाए, इसलिए इसी सॉफ्टवेयर को इस तरह से डेवलप किया गया इस एप्लीकेशन को कि डायरेक्ट जो है नीचे आ जाए। तो यहाँ पर जैसे लेयर का ऑप्शन देखिए अलग से ही ऑप्शन चल रहा है लेयर का, इसके अंदर सबसे बेस्ट बात यह है, और इस लेयर के सारे एडिटिंग इसके अंदर हमें दे रखी है। तो लेयर के अंदर हम मीडिया पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ग्रीन स्क्रीन में वीडियो कुछ भी डाल सकते हैं और वो बहुत ही अच्छा हमें लगने वाला होता है।
चलिए कोई ग्रीन स्क्रीन वीडियो ही डालकर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, तो मैं चला जाता हूँ अपने किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जिसमें मेरे पास ग्रीन स्क्रीन वीडियोज होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ग्रीन स्क्रीन वीडियोज आप देख सकते हैं, तो मैं यही वाला ग्रीन स्क्रीन वीडियो ले लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देता हूँ, ऊपर वाली लेयर को भी थोड़ा कट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए आपको आज दो राउंड वीडियोज दिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको क्रॉप करूंगा तो यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ही ये ग्रीन स्क्रीन आएगी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, ग्रीन स्क्रीन को उठाना वैसा ही है जैसा उसके अंदर सिंपल सा था, वहां पर उसका नाम था कलर रिमूव, यहाँ पर है क्रोमा की। ग्रीन स्क्रीन, कलर रिमूव और क्रोमा की दोनों साथ, तीनों सारी सारी क्या है, एक ही चीज होती है, लेकिन डायरेक्ट क्रोमा की पर नहीं जाएंगे, सारे के सारे ऑप्शन को समझेंगे। देखिए दोस्तों, वहां पर कट करने के लिए हम स्प्लिट का यूज करते थे, यहां पर कट करने के लिए जिस वीडियो को कट करना है उस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ऊपर जो कैची का आपको चिन्ह दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, तो ये सारे तीन चार ऑप्शन होते हैं जिसके अंदर आप आसानी समझ सकते हैं। जहां पर टाइम लाइन होगी उधर का जो है राइट एरिया कट होगा, सेकंड वाले से लेफ्ट एरिया कट होगा, और थर्ड वाले से जो स्प्लिट होगा, स्प्लिट का मतलब बीच में से दो भागों में वो हिस्सा हो जाएगा, और तीसरे वाले का अंदर है कि यहाँ पर हम जो है स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम, मतलब यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे कि दो भागों में तो डिवाइड करेंगे लेकिन इसके अंदर एक फ्रेम भी इंसर्ट हो जाएगी। तो इन ऑप्शंस का यूज आप करके देखिए, कट कट करके देखिए। चलिए मैं एक वीडियो कट करके दिखा देता हूँ, नीचे वाले का सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कट करके ये दो साइड में से मैंने इसको कट कर लिया। तो ये वाला था फंडा कट करने का, थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन बहुत ईजी है। देखिए लेयर दो बन चुकी है हमारे पास, यहाँ पर इन लेयर को बड़ा करके देखना था तो यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए, इस आइकन पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना आगे, आगे आप समझने के लिए हम क्या करेंगे कि और ऑप्शंस को इसके समझते हैं। तो जेड पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक वीडियो पर, यहाँ पर प्रॉपर्टीज आते हैं सेकंड वाली प्रॉपर्टीज के अंदर हम इसको कितनी स्क्रीन पर रखना चाहते हैं, इतनी स्क्रीन पर रखना चाहते हैं, इतनी पर रखना चाहते हैं इतनी, मतलब स्क्रीन को कट करके हमें दे देती है। फिलहाल के लिए मैं फुल पर ही इसको रखना चाहूंगा। उसके बाद में हमारे पास क्या हो जाता है, ये वीडियो जो है ग्रीन स्क्रीन वीडियो हमारे पास फुल हो चुका है जितने में मैंने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद में हमारे पास इन एनिमेशन, ऑटो एनिमेशन और यहाँ पर कितने सारे एनिमेशन, बहुत सारी ऑप्शन है। उसके पहले मैं डायरेक्ट क्रॉपिंग का ऑप्शन आपको सिखा रहा हूँ, वो ऑप्शंस भी हम सीखेंगे लेकिन फिर अच्छा नहीं लगेगा पहले वो सिखा दिया। तो सबसे पहले क्रॉपिंग का ऑप्शन सीखते हैं। क्रॉप करने के आप जानते हैं क्रॉप कैसे करना है, जिस भी मीडिया क्रॉप करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए ये यहाँ पर जैसे ही मैं क्रॉप पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसमें क्या आता है, मास्क कैन नॉट बी यूज स्प्लिट स्क्रीन मोड। एक्चुअली जो स्प्लिट स्क्रीन मोड है उसके अंदर मास्क को यूज नहीं कर सकते, इस क्रॉपिंग को क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस वीडियो की साइज यहां से फुल सिलेक्ट कर ली थी। तो आपको इसको स्प्लिट मोड को यहां पर ऑफ करना है तभी क्रॉपिंग होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर जैसे अब क्रॉपिंग पर जाऊंगा तो यहां पर देखिए क्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, जितना क्रॉप करना है आप उतना कर लीजिए। मैं ग्रीन स्क्रीन वाला रहने देता हूँ और सारा का सारा जो क्या कर लेता हूँ क्रॉप कर लेता हूँ, सिलेक्ट कीजिए। अब क्या करेंगे हम, दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन सीखेंगे क्रोमा की का। क्रोमा की वैसे भी बता चुका हूँ, यहाँ पर कलर्स इनेबल कर देना है इसको, यहाँ से आपको बस एडजस्ट करना है। उसके बाद में ये ऑटोमेटिक कलर ले लेता है, यहाँ पर यदि कलर नहीं ले तो यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट जो है ये ऑटोमेटिक ही ले लेता है, एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर ये, लेकिन फिर भी आपसे एडजस्ट नहीं होता तो यहाँ पर डिटेल्स कर्व के अंदर जैसे आप जाओगे तो डिटेल कर्व के अंदर ये सारी की सारी जो है यहाँ से भी एडजस्ट करके इसको जो नहीं हटता है ना जो पार्ट वो यहाँ से हट जाता है और बहुत ही अच्छा वीडियो बनकर आपके सामने आ जाता है। फिलहाल के लिए मैं इसको इतना बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा नहीं करता हूँ एक्चुअली, थोड़ा क्रॉप और कर लेता हूँ अच्छा दिखे, ये लो इतना तक कर लेता हूँ मैं इसको क्रॉप। और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसको फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। देखिए किस तरह से वीडियो दिखाई देता है आपको, ये पहला और ये मैं दूसरा, चलो दोनों के साइज भी सेम कर देते हैं। एक्चुअली इसके अंदर मैंने कलर फिल्टर भी दिया है, वो भी देखें देंगे अभी। तो ये देखिए डबल रोल भी आपको लगेंगे यहाँ पर, और दो रोल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे कि दो वीडियो किस तरह से चल रही है। तो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का ही डबल रोल बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन ये चीजें हम एडवांस सीरीज में सीखेंगे, ये बेसिक सीरीज चल रही है, ऑप्शंस का यूज करना है मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर इन एनिमेशन की। इन एनिमेशन का मतलब होता है कि जब आपका वीडियो एंटर हो, आप एंटर होते हो ना किसी भी शादी में एंटर होते हैं तो आपकी एंट्री कितनी धमाल होगी वो डिपेंड करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पर क्लिक कर करके देख लीजिए आपको कौन सा पसंद है, इस तरह से आना पसंद है, इस तरह से आना पसंद है, इस तरह से आना पसंद है, या फिर किस तरह से एंट्री किस तरह से होगा। ये एंट्री का मोड है, एंट्री का मतलब किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हो आप एंट्री किस तरह से करोगे वो बात है यहाँ पर। बस आपको इस पार्टी में इस तरह से एंट्री करनी है, घूम घूम कर एंट्री करनी है, काउंटर क्लॉक वाइज आपको एंट्री करनी है, ड्रॉप वाइज एंट्री करनी है, बिल्कुल इस तरह से आपको क्या करनी है, एंट्री करनी है। यहाँ पर आप इस एनिमेशन की साइज सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने धीरे आए, बहुत धीरे धीरे यहाँ पर उछल कर आए, आप धीरे धीरे एंट्री लेना चाहते हो या बहुत फास्ट एंट्री लेना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे धीरे 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 एंट्री ले रहा है, देखिए तो यहाँ पर मैं कितना कर देता हूँ, यहाँ पर जो है 1.5 ही रहने देता हूँ। यहाँ पर इसकी टाइमिंग को आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम क्या करेंगे,
कि यहाँ पे वापस इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद में हम करेंगे क्या कि जो ओवरले एनिमेशन है, ओवरऑल एनिमेशन है, उसके बारे में सीखेंगे। ओवरऑल एनिमेशन का मतलब किसी पार्टी में एंट्री तो होगी, एंट्री करने के बाद में आपको जो है किस तरह की वहाँ पर जो है आप परफॉर्मेंस दोगे, वहाँ पर डटकर करोगे क्या क्या, जूस पियोगे क्या करोगे, तो किस तरह से वहाँ पर डटना चाहते हो, वहाँ पर ओवरले एनिमेशन का उपयोग है। जैसे ब्लिंक करते हुए वहाँ पर डटना चाहते हो तो ये झपक 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 करके ब्लिंक करेगा वहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह से भी जो है वहाँ पर जो एंट्री देने के बाद में इस तरह से चमके चमकोगे आप वहाँ की लाइट से, या फिर इस तरह से जो है वहाँ पर डटे रहने तक का समय जो आप दोगे, यानी इस एनिमेशन को जितनी देर दिखाओगे उतनी देर ये ब्लिंक करता रहेगा इस तरह से जो है प्लस मूड के अंदर। तो यहाँ से इस इफेक्ट को भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आउट एनिमेशन। अब आप एंट्री कर लिए, वहाँ पर खाना पकाना खा लिया, अब बाहर कैसे निकलोगे आप, बाहर निकलने के लिए आपको आउट एनिमेशन का यूज करना होगा। मतलब यहाँ से जब आपकी लेयर खत्म हो जाती है तो आप वहाँ पर किस तरह का एनिमेशन देना चाहते हो, तो आउट एनिमेशन मतलब एक वापस यहाँ से कैसे जाए, ऐसे जाए साइड में लेफ्ट होते हुए जाए, थोड़ा इधर खिसक के जाए, उधर खिसक के जाए, किस तरह से जाए, मैं नीचे वाला ही सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर जो है सारे के सारे ऑप्शन मैंने सीख लिए हैं। इन एनिमेशन सीख गए क्या होता है, ओवरऑल एनिमेशन जो ओवरऑल एनिमेशन वो आपने सीख लिया, आउट एनिमेशन सीख लिया, क्रोमा की मैंने बताई दिया, क्रोपिंग अभी बताई थी, रिवर्स वीडियो बहुत ही प्यारा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन। तो रिवर्स वीडियो पर आप क्लिक करके क्या करोगे कि ये ऑप्शन सीख सकते हो। तो जैसे आप रिवर्स के वीडियो पर क्लिक करोगे, रिवर्स पर, रिवर्स का मतलब है पीछे जाएगा वीडियो, तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस चलेगी, उसके बाद में आपका उल्टा चलने लग जाएगा वीडियो। रिवर्स वीडियो इफेक्ट्स तो आप जानते हो, तो ये ऑप्शन बहुत ही ईजी होता है, तो इसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि एडवांस सीरीज के अंदर इसके बारे में डिटेल से समझने वाले हैं कि आप भी रिवर्स का यूज कर सकते हो। आपका वीडियो बिल्कुल उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आता है जैसा बोलता है वो सब कुछ उल्टे काम करेगा, बिल्कुल विपरीत चलेगा। उसके बाद में आता है ओपेसिटी। ओपेसिटी मैंने जैसा कि आपको पहले भी बता चुकी है, किसी बैकग्राउंड में हल्का हल्का दिखाने के लिए कैमटेशिया में ओपेसिटी के बारे में सीखा था। तो यहाँ पर देखिए हल्का हल्का दिखाने के लिए, याद नहीं आ रहा कब सीखा था, याद करो एक बार करने की कोशिश करो, जब मैंने विजुअल प्रॉपर्टीज सीखी थी। ये विजुअल प्रॉपर्टीज के इससे देखिए, वहाँ पर हमने विजुअल प्रॉपर्टीज सीखी थी, यहाँ पर ये सारे के सारे जो है इसके अदर ऑप्शन आ जाते हैं। देखिए ये जितने भी ऑप्शन है विजुअल प्रॉपर्टीज का ही हिस्सा है, कैमटेशिया में विजुअल प्रॉपर्टीज का नाम था। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये फंडा सारा का सारा एक ही होता है, बस नेम चेंज करके आपको कन्फ्यूज किया जाता है और कुछ नहीं। उसके बाद में रिवर्स के बाद में आप ओपेसिटी समझिए, कलर फिल्टर, ये भी हमने कैमटेशिया से में सीखा था। कलर फिल्टर क्या होता है एक्चुअली, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मैं डिटेल से नहीं बताऊँगा। कलर फिल्टर पर जैसे आप क्लिक करोगे, तो मैं कोल्ड पर जाकर दो है यहाँ पर क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारे इफेक्ट जो है कलर फिल्टर ये ऑटोमेटिक देता था। देखिए यहाँ पर कलर फिल्टर आ चुका है, लेकिन वहाँ पर हमें कलर सिलेक्ट करना होता था, लेकिन वहाँ पर हम ओपेसिटी का ऑप्शन और मिलता था कि उस कलर की ओपेसिटी मतलब आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उन्हीं कम ज़्यादा कलरों को यहाँ पर जो है अलग अलग फिल्टर्स के रूप में दे दिया गया, दोनों चीज़ एक ही है। वहाँ पर जो उस कलर को कम ज़्यादा करने का ऑप्शन दे दिया गया था, बल्कि यहाँ पर उन्हीं कलर को कम ज़्यादा न करने की बजाय एक ऑप्शन दे दिया गया है कि आप आसानी से समझ सको, है ना। ये देखिए इस तरह से आप वीडियो जो है क्रिएट कर सकते हो। देखिए इस तरह से देखिए ये क्यों ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि हमने जब तक ये लेयर रहेगी तब तक इसी तरह चमकती रहेगी, गायब होती रहेगी, क्योंकि हमने ओवरऑल एनिमेशन यहाँ पर दिया था। उसके बाद में हम सीखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन के बाद में, यहाँ पर हमने कलर फिल्टर सीख लिया, रोटेट और मिररिंग के बारे में। ये आप सबसे आसानी से जान सकते हैं कि वीडियो को कितना रोटेट करना है, कितना घुमाना है, कितने डिग्री एंगल पर घुमाना है, जो कि कैमटेशिया में बहुत इजी था। बीच में से जाओ, क्लिक करो और पकड़ो और उसे घुमा दो, रोटेट सब जानते हैं बहुत इजी होता है, रोटेट का मतलब घुमाना होता है। एडजस्टमेंट, कलर एडजस्टमेंट बहुत ही प्यारी चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि आप कितना प्रकाश चाहते हो उस वीडियो में, कितनी लाइटिंग चाहती हो, कितनी उसे डिम करना चाहती हो, या फिर उसे कितनी ज़्यादा करना चाहती हो, इस तरह का कलर एडजस्टमेंट इसके अंदर होता है। देखिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को, ये देखो मैं इसको यहाँ पर रोकता हूँ और आपको दिखाता हूँ इस तरह से। देखिए ये कितना प्रकाश में रहेगा, कितने अंधकार में रहेगा, ये सारी बातें यहाँ से हमें सीखेंगे। जिस वीडियो पर क्लिक रहेगा उसके सारे इतने सारे ऑप्शन आएंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है यहाँ पर जो है EQ की, यहाँ पर ऑडियो इफेक्ट हैं सारे के सारे, आपको कर करके देखने जो भी आपको अच्छा लगे वो ऑडियो इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर EQ सारे के सारे ऑडियो इफेक्ट है, जो ऑडियो इफेक्ट है उनका डायरेक्ट नाम ले रहा हूँ मैं। वॉल्यूम जो है, इनफ्लो है, जो इन्वेलोप है, जो इन्वेलोप है, वॉल्यूम इन्वेलोप है, उसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, तो वॉल्यूम की जो इंक्रीज जो डिक्रीज है वो आपको मिलेगी। एक्चुअली है क्या, मैंने बताया था ऑडियो के अंदर आपको जो ग्राफ दिखता है ना नीचे, जो ग्राफ होता है वो ग्राफ यहाँ पर दिखेगा, और वो ग्राफ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, इस तरह से चेंज कर सकते हो। जैसे कैमटेशिया में हमने सीखा था ग्राफ, जो ऑडियो का ग्राफ किस तरह से हमें काम में आता है। देखिए दोस्तों, ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, दोनों का ग्राफ हमें अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा काम में आएगा एडवांस सीरीज के अंदर। तो ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कहाँ पर हमने ज़्यादा बोला, कहाँ पर कम बोला,
दो वीडियो को मैचिंग कराना है, दोनों में सेम वॉइस है, तो वहाँ पर ऑडियोग्राफ के जरिए ही हम जो है दो वीडियोज को मिक्स करते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं इन बातों को। यहाँ पर देखिए, अब ये हमने सीख लिया, एडवांस सीरीज के अंदर और अच्छे से बात करेंगे कि इनका यूज किस तरह से होता है। अभी तो आप कर करके देखिए, रिवर्ब ऑप्शन के अंदर सारे के सारे ऑडियो इफेक्ट है, जैसे इको हुआ, रिवर्ब हुआ, वॉल्यूम अप हुआ, और भी सारे ऑप्शन है वो यहाँ पर जो है, होल इको हुआ, डेलिन होल हुआ, इस तरह के सारे इफेक्ट है जो आपको बहुत ही प्यारे लगेंगे, तो जरूर चेक कीजिएगा। यहाँ पर वॉइस चेंजर, आपको फीमेल वॉइस क्रिएट करनी हो, या फिर जो है लड़की की आवाज में वॉइस निकालनी हो, आवाज निकालनी हो, या फिर किसी से आप जो अपने ऑडियो को जो है लड़की की आवाज में बुलवाना चाहते हो, या फिर किसी को गुमराह करना चाहते हो, इस तरह के यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ब्लेंडिंग और एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ब्लेंडिंग के बारे में बाद में सीखते हैं, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए। तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो, जो भी आपके वीडियो के अंदर ऑडियो है, जो वो ऑडियो अलग हो जाएगा, जैसे कल हमने सीखा था सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो, वही ऑप्शन है इसमें एक्सट्रैक्ट ऑडियो। आपका जो वीडियो है वो डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, ऑडियो में बदल जाएगा, वीडियो भी रहेगा ऑडियो भी रहेगा, वो ही काम है जहां पर सेपरेट ऑडियो और वीडियो सीखा था हमने कैमटेसिया के अंदर। इसलिए बार बार कर रहा हूं कि पहले पीछे वाले पार्ट देखे तभी यह समझ में आएंगे। यहां पर देखिए ब्लेंडिंग का ऑप्शन जो है हमारे बाद में, इसके अंदर क्या है कि थोड़ी बहुत अलग अलग बातें हैं जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा बनता जा रहा है और कल सीखेंगे हम इसके अदर पार्ट के बारे में, परसों तक ये पूरा हो जाएगा और आगे इसमें सीखने वाली बात और कुछ है नहीं। तो आप ये अप्लाई कर करके देखिए, बेसिक ऑप्शंस का यूज करना है आपको, बता रहा हूँ इनसे क्या क्या किया जा सकता है, वो एडवांस सीरीज में सीखेंगे कि किन किन हद तक हम वीडियोज बना सकते हैं। हम शक्तिमान को भी उड़ाएंगे और भी बहुत सारे, पानी को भी कट करेंगे और भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज बनाने वाले हैं, जैसे कि टिकटॉक पर आप देखते हो, यूट्यूब पर आप देखते हो, सारी वीडियो एडिटिंग हम सीखेंगे। लेकिन पहले बेसिक को उठाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि वीडियोज में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आप देखोगे, देखना चाहोगे तो बहुत सारे ज्यादा आपको कन्फ्यूजन वहां पर मिल जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हो क्या किया है इसने, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं है। तो आप सबसे पहले बेसिक क्लियर कीजिए, फिर आगे से बढ़िए, तब जाके वो वीडियोज भी आपको समझ में आने लग जाएगा। इसीलिए मैंने जो है दूसरा पॉइंट डाला था कि किसी भी वीडियोज की स्टेप्स के पीछे मत भागो। तो आपको डायरेक्ट अब क्लिक कर देना है राइट पर और देखिए वीडियो कितना अच्छा लगने वाला है। ये तो पहले वाले से था, पहला वाले इफेक्ट, और यहां पर जो है इस वीडियो के अंदर इस तरह से देखिए मेरा वीडियो ब्लिंक कर रहा है। चलिए इस वीडियो में था इतनी सी जानकारी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो काफी बड़ा हो रहा होता जा रहा है। थैंक यू आपका बहुत सभी के लिए वापस, कि आप इतना अच्छा रिस्पांस दे रही हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।